मुल्क में कानून की बालादस्ती नहीं, पाकिस्तान में कब्जा माफिया ग्रुप मुतहरिक है। माजी में हुकूमतें कराची को नजरअंदाज करती रही हैं, लेकिन पीटीआई हुकूमत कराची में ट्रांसपोर्ट की सहूलतों की फराहमी यकीनी बनाएगी। वजीर आजम इमरान खान का बयान। अवाम हुकूमत से नाराज है, अपोजिशन दोस्त इमरान खान के बजाय हमारे इस्तीफे मांग रहे थे। हम पंजाब हुकूमत गिरा कर इमरान खान को आसानी से गिरा सकते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का बयान। मरियम और बिलावल सिर्फ धांधली से वजीर आजम बन सकते हैं। वजीर इत्तला फवाद चौधरी का बयान, कहते हैं पाकिस्तान के ज्यादातर सियासतदानों को टेक्नोलॉजी की ABC का भी नहीं पता। हम अफगानिस्तान में पायदार अमन के ख्वाहिशमंद हैं। वजीर दाखला शेख रशीद से जर्मनी और हॉलैंड के सफीरों की मुलाकात, मुख्तलिफ उमूर और दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगु की गई। फवाद चौधरी अवाम को गुमराह करना छोड़े, वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह ने फवाद चौधरी को आड़े हाथों ले लिया, कहा कि वफाक हुकूमत ने अवाम को गुमराह करने वालों की टीम बना रखी है। शरीफ खानदान ने लंदन में भी टैक्स की चोरी की, मौवन खुसूसी शहबाज गिल का बयान, कहते हैं शरीफ खानदान ने 26% यानी तकरीबन 6 मिलियन पाउंड पर टैक्स चोरी किया। तालिबान का अफगानिस्तान में नई हुकूमत के कयाम का ऐलान, नई इस्लामी हुकूमत के सरबरा मोहम्मद हसन अखवंत और नायब सदर मुल्ला अब्दुल गनी बरादर होंगे। KMC के पार्ट टाइम एडमिनिस्ट्रेटर की अदम तवज्जही, बल्दिया उज़्मा कराची में ताहाल बदउनवानी अरूज पर अदालती अहकामात का मजाक बनाते हुए जाली दस्तखत से पथारों को मुस्तकिल कर दिया गया। कोरंगी जमान टाउन में पुलिस के हाथों टारगेट किलर असद गिरफ्तार, असलहा बरामद, मुलजिम उजरती कातिल है, एक हफ्ते कबल एक नौजवान को कत्ल किया था। और कोरोना के हमले जारी, मजीद 98 अफराद जाँ बहक, सिंध में कोरोना के मरीजों की तादाद 4 लाख से तजावुज कर गयी।